स्वागत है दोस्तों आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं रोज शाम को 7 बजे लेकर आता हूँ टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज, जिसमें डिस्कस करते हैं हम एजुकेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी जो कि पूछे जाते हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम जो कि डीएसएसबी और केवीएस जैसे इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज के डिस्कशन में जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ उसे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, जो आपसे इन सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, सही करते हैं 70-80% अगर आप सही कर रहे हैं इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है तो इसके जो डिस्कशन में कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, अपने नोट्स तैयार करिए और फिर उसके बाद अपने प्लानिंग को रिवाइज करिए, अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर एक्टिव प्लानिंग के साथ काम करिए, आप एग्जाम को करेक्ट ईजिली कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन ए क्लासरूम, कि क्लासरूम में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या चीज हो सकती है, उसके बारे में चार ऑप्शन दी गई है आपके पास। इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट जो भी आपको लग रहा है वो आपका आंसर हो सकता है, उसे टिक लगाना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट बोला डज नॉट अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है बच्चों का परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं लाता है, ये बोला जा रहा है। सेकंड आपसे बोला जाए मे लीड टू द डिमिनिश्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है बच्चों का जो एफर्ट होता है, जो भी वो पढ़ने के लिए जो अपने एफर्ट लगा रहे हैं उसे कम कर देता है या खत्म कर देता है अगर क्लासरूम के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर अगर क्लासरूम के अंदर होता है तो बच्चों का परफॉर्मेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता, कहने का मतलब है। अच्छा सी में आपसे बोला जा रहा है मे लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द मेल स्टूडेंट्स, मतलब इसमें यह बोला जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हो रहा है तो इसमें क्या होता है जो मेल स्टूडेंट है यानी कि बॉयज का परफॉर्मेंस कम हो जाता है, ये बोला जा रहा है सी ऑप्शन में। और डी में बोला जा रहा है आपसे इज डन बाय मोर मेल टीचर देन द फीमेल काउंटर पार्ट, यानी कि जो फीमेल टीचर है वो कम करती हैं डिस्क्रिमिनेशन और जो मेल टीचर है वो ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये ऐसा बोला जा रहा है। तो बेस्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है अटेम्प्ट करिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ करेक्ट आंसर। तो जो इसका करेक्ट आंसर इसका बी, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर क्लासरूम के अंदर होता है तो ये लीड कर सकता है या फिर कहें कि खत्म कर सकता है बच्चों का जो परफॉर्मेंस के ऊपर जो एफर्ट लगा रहे हैं बच्चे, वो परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन जा सकता है अगर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर किया जाता है क्लासरूम के अंदर। यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। बाकी जो ए सी और डी है इसमें क्या गलत है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें बोला नॉट अफेक्टेड या नॉट नहीं आएगा, अफेक्ट तो करता है भाई, नॉट गलत हो गया यहाँ पे। अच्छा सी अगर देखें तो सी में बोला है सिर्फ ओनली बॉयज, नहीं बॉयज के साथ नहीं या मेल स्टूडेंट के साथ नहीं, ये दोनों ही जेंडर को यानी कि गर्ल्स बॉयज दोनों को परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालता है। अच्छा लास्ट में बोला गया कि जो मेल नहीं है ये मेल टीचर के द्वारा ज्यादा किया जाता है इसका कंपैरिजन ऑफ फीमेल काउंटरपार्ट, फीमेल या मेल का कुछ नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किसी को भी नहीं करना है, ये तो गलत बात है। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेल ज्यादा करते हैं फीमेल ज्यादा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बींग ए टीचर, आप भी एस्पिरेंट है टीचर बनने वाले हैं तो आपको भी ये जो चीजें हैं क्लासरूम के अंदर कभी नहीं लेके जानी, आपको दोनों ही जेंडर को इक्वल ट्रीट करना है, ठीक है। वो आपके लिए सिर्फ ओनली स्टूडेंट है, जेंडर का कोई इशू ही नहीं क्रिएट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल, कि इनमें से लर्निंग स्टाइल का कौन सा एग्जाम्पल है आपको ये बताना है। तो आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से है, फर्स्ट यानी ए है विजुअल, बी है आपके पास एक्यूरल, सी है आपके पास फैक्चुअल और डी है आपके टेक्चुअल। यानी कि टेक्चुअल का मतलब जो किसी टेक्निक्स के आधार पर है और जो किसी इसमें फैक्चुअल का मतलब इसके फैक्ट के ऊपर आधारित जो लर्निंग है उसके बारे में बात की जा रही है, और बी में जो एक्चुअल या एक्यूरल, एक्यूरल का मतलब यहाँ पे जो क्रम बाय क्रम स्टेप बाय स्टेप की बात करी जा रही है, और ए में आपसे बात की जा रही है विजुअल, विजुअल जिसे देख के पढ़ा जा सके, इमेज क्रिएट करके लर्निंग की जा सके। तो बेस्ट आंसर क्या हो सकता है आप अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको बेस्ट आंसर बताता हूँ, उसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए यानी कि विजुअल, यानी कि लर्निंग जो होता है किसी चीज को विजुअलाइज करना होता है, किसी चीज को देखना होता है। जैसे आप मान लीजिए किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, ठीक है, तो कोई लेटर है तो लेटर को आप देखते हैं फिर दिमाग में उसकी इमेज बनाते हैं, हाँ कि ए लेटर ऐसा होता है, बी लेटर ऐसा होता है, सी लेटर ऐसा होता है। या फिर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में क्या कि जब भी कोई फार्मूले होते हैं उससे पहले आप नंबर जो पढ़ते हैं उसको विजुअलाइज करते हैं कि नंबर ऐसा ऐसा होता है, या फिर ज्योमेट्री पढ़ते हैं ज्योमेट्री में डायग्राम को विजुअलाइज करते हैं, या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं पहले विजुअलाइज करते हैं। अगर विजुअलाइज आप प्रॉपरली कर पा रहे हैं इट मीन्स आपकी जो लर्निंग है वो ज्यादा अच्छी हो पा रही है। तो ये एक तरह से लर्निंग का एक स्टाइल है, ये उसका एक एग्जाम्पल है विजुअल। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए है अ टीचर कलेक्ट्स एंड रीड द वर्क ऑफ द क्लास देन प्लान एंड एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन टू मीट स्टूडेंट्स नीड।
ही और शी इज डूइंग। अब आपसे बोला जा रहा है कि भी एक टीचर है जो कि अपने क्लास में जब वो पढ़ाता है तो बच्चों ने जो काम किया है उसको कलेक्ट करता है, उसके बाद वो देखता है कि भाई ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद एक प्लानिंग करता है। प्लानिंग में क्या करता है, कुछ एडजस्टमेंट लेके आता है ताकि जो उसने टारगेट सेट किए थे, जैसे हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं जब टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, तो टीचर ने भी ऐसे डिसाइड किया, उसने पढ़ाया, उसने चेक किया, फिर उसने देखा कि जो टारगेट सेट किए था उसे वो मीट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, मतलब कहां तक हुआ तो पहुंच पा रहे, उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ कुछ अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहा है, एडजस्ट कर रहा है, अपने प्लान को रीशेड्यूल कर रहा है, रीसिस्टमेटिक डिजाइन बना रहा है कि भी अब मुझे ऐसा करना चाहिए, इस लेवल पे बच्चे हैं ये चीज कमी रह गई, इस पे ज्यादा फोकस करना है, ये टॉपिक है जिस पे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, इस तरह की जो चीजें करता है तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी और डी, चलिए एक एक करके चारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसमें से बेस्ट आंसर जो आपको लगता है अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं। तो फर्स्ट है आपके पास ए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि टीचर जो ये एडजस्टमेंट कर रहा है अपनी प्लानिंग को बच्चों की परफॉर्मेंस को देखकर, इसे बोला जा रहा है ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, कि लर्निंग का एक असेसमेंट है, यानी कि इवैल्यूएशन की बात की जा रही है। सेकंड यानी बी, बी में बोला जा रहा है असेसमेंट एज लर्निंग, कि ये असेसमेंट है लर्निंग के तरीके से एक असेसमेंट है, इसके अंदर बी में आपसे ये बोला जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि लर्निंग के लिए असेसमेंट किया जा रहा है, इसके अंदर ये लर्निंग कैसी होनी चाहिए, अब जो टारगेट दिया गया वो अचीव कर पा रहे नहीं कर पा रहे, अगर नहीं कर पा रहे तो अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस लाया जा सकता है, उसके ऊपर ये फोकस कर रहा है। अच्छा डी के अंदर जो ऑप्शन है आपके पास उसमें बोला जा रहा है असेसमेंट एट लर्निंग, कि ड्यूरिंग लर्निंग जब आप पढ़ा रहे हैं उसी के बीच में आप कुछ बच्चों को असेस भी कर रहे हैं, इवेल्युएट भी कर रहे हैं, ये उसका एग्जांपल है। तो बेस्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है अटेम्प्ट करिए, फिर मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूं जैसे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि सीखने के लिए आप अपने अंदर क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को, ताकि जो जो बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, चेंज इन द बिहेवियर है, उसको बेटर ला सके, इसलिए बोल सकते हैं इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग है, लर्निंग के लिए आप इवेल्युएट कर रहे हैं बच्चों को, ताकि वो जो टारगेट आपने सेट किए थे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव उसे आप अचीव कर सके। तो बेस्ट आंसर इसका जो है यानी करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस तरह से है, अ टीचर हु वर्क अंडर स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कोई जो टीचर है वो किसी स्कूल के अंदर जब वो काम करता है वो किस असेसमेंट के अंदर आता है। आपके पास ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से बेस्ट आपको आंसर अपना सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ए डिस्कस करते हैं, आर ओवरबर्डन एज दे नीड टू टेक फ्रीक्वेंट टेस्ट इन एडिशन टू मंडे टेस्ट। मंडे टेस्ट के कंपेरिजन में टीचर को क्या करना चाहिए, फ्रीक्वेंट टेस्ट लेने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लेने चाहिए, ये मंडे टेस्ट को हटा करके उसकी जगह क्या करना चाहिए, मंडे को इसको फ्रीक्वेंट टेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बी में बोला जा रहा है आपसे, नीड टू असाइन प्रोजेक्ट वर्क इन ईच सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल स्टूडेंट, कि एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए कि बच्चों को असाइन करना चाहिए, यानी कि देना चाहिए प्रोजेक्ट हर बच्चे को इंडिविजुअली देना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, यह बोला जा रहा है। सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है, ऑब्जर्व स्टूडेंट माइन्यूटली ऑन ए डेली बेसिस टू एक्सेस देयर वैल्यू एंड एटीट्यूड्स, बच्चे के वैल्यू और एटीट्यूड को चेक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, डेली बिल्कुल माइन्यूट बेस पे, बिल्कुल बारीकी से उसके अंदर उसकी वैल्यू के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके एटीट्यूड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करना है एज ए टीचर। और लास्ट डी में ऑप्शन में बोला जा रहा है, फील अ सेंस ऑफ ऑनरशिप फॉर द सिस्टम, के टीचर को सबसे ये सब चीजें तो ठीक है लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो किसी स्कूल बेस्ड असेसमेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि टीचर को समझना चाहिए कि ये जो है मेरी ऑनरशिप है, यानी कि मेरा सिस्टम है, मेरा काम है, सब कुछ मेरा ही है, ताकि मैं इस चीज को अपना समझ के सारी चीजों को काम करूं ताकि बेस्ट रिजल्ट आ सके। तो बेस्ट आंसर आपका क्या है, आप अटेम्प्ट करिए। तो जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी, वो इसलिए क्योंकि जब आप किसी काम को सोचते हैं कि ये मेरा काम है, मेरा अपना काम है, यानी ऑनरशिप वाली बात आ जाती है, तो अपने आप जो आपकी जो परफॉर्मेंस अपने आप इनहेंस होती है। इनहेंस होने की वजह ये है कि आप उसमें मोर देन 100% एफर्ट लगाते हैं अपना समझ करके, तो फिर रिजल्ट भी अपने आप सही आने लग जाता है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आपका एफर्ट लगने लग जाता है। तो जो करेक्ट आंसर हो गया इसका डी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके लिए, हाउ डू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम मार्क्स, ग्रेड और मार्क्स के बीच में आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ग्रेड कैसे अलग है मार्क्स के, ये आपको चार ऑप्शन के माध्यम से चेक करना है। तो आगे बोला जा रहा है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ क्वेश्चन,
क्लासेस ऑफ क्वेश्चन, ये जो चार क्वेश्चन टॉपिक जो आपको दिए गए कौन सी क्लास के अंदर ये आता है, हाउ डू ग्रेड डिफर फ्रॉम मार्क्स, ग्रेड जो होता है वो मार्क्स से कैसे डिफरेंट है आपको ये बताना है। तो चार ऑप्शन आपके पास ये हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है डाइवर्जेंट बोला जा रहा है, बी ऑप्शन में आपके बोला जा रहा है एनालिटिक बोला जा रहा है, सी में बोला जा रहा है ओपन एंडेड बोला जा रहा है, और डी में बोला जा रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब डिटेल में चारों को डिस्कस करते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और सडनली आप किसी और तरीके से किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, चेंज आपके अंदर आ रहा है, बदलाव आ रहा है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि जब हम ग्रेड और मार्क्स में ये डिफरेंस है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि एनालिटिक है, एनालिटिक का मतलब है कि मान लीजिए जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मान लीजिए पहले क्या होता था कि मार्क्स के बेसिस पे जैसे इवेल्युएशन होती, तो मार्क्स के बेसिस पे इवेल्युएशन के होने से एक फिक्स पता लग जाता कि बच्चे इतने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, इतने में से इतना आ रहा है। अब ग्रेड में क्या है, ग्रेड में पर्टिकुलर मार्क्स तो नहीं दिया जाता बल्कि एक रेंज बता दिया जाता है कि इस अगर सपोज किसी का ए प्लस आ रहा है या बी आ रहा है, सी आ रहा है, जो भी ग्रेड आ रहा है, इट मीन्स वो बच्चा इतने परसेंट से लेकर के इतने परसेंट, यानी कि मान लीजिए ए प्लस की बात करें या ए वन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन ये होती है 91% से लेकर 100% के बीच में आ रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि एक तरह से प्रॉपर कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन जैसा चीज नहीं आ रहा ग्रेड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 92 वाला भी, 99 वाला भी, 95 वाला भी, इस सारे के सारे एक ही कैटेगरी के अंदर है जो कि A1 कैटेगरी हो गई, ठीक है। जबकि मार्क्स में ऐसा नहीं, मार्क्स में बिल्कुल स्पेसिफिक बताया जाता है जबकि ग्रेड में एक रेंज दे दिया जाता है। नेक्स्ट बोला है ओपन एंडेड, यानी ओपन एंडेड छोड़ दिया जाता है कि इसमें कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बताया, बता दिया ओपन एंडेड छोड़ दिया जाता है कि आप डिसीजन अपने आप लो। और डी में बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है ऐसा बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, गो अटेम्प्ट करिए फिर मैं बताता हूं। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, यानी कि एनालिटिक है। एनालिटिक क्यों है, वो इसलिए है कि जब मार्क्स में तो स्पेसिफिक एक फिक्स कर देते थे, लेकिन जब से ये ग्रेड आ गया है तो ग्रेड और मार्क्स ये डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बोला था कि मान लीजिए किसी का ए प्लस ग्रेड आ रहा है या ए वन ग्रेड आ रहा है, इट मींस क्या है 90%+ लेके आ रहा है, तो बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन जैसा कुछ रहेगा ही नहीं, बस ये बता रहेगा चाहे बच्चा 92 लेके आ रहा है या 95 लेके आ रहा है, सबको आपने एक कैटेगरी में डाल दिया भाई, हाँ सब बराबर ही है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर आपके पास हो गया बी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है गर्ल स्टूडेंट के बारे में, यानी कि छात्राओं के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या क्या चार ऑप्शन है, ये आपको जो अपने आंसर है ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू गर्ल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर करना है। चलो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए लर्न्स क्वेश्चन ऑन मैथमेटिक्स वेल बट फेस डिफिकल्टी ओनली व्हेन दे आर आस्क्ड टू रीजन देम आउट। मतलब जो गर्ल स्टूडेंट होते हैं जो आप मैथमेटिक्स उसको पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती है, सब कुछ अच्छा कर लेती है, आंसर भी सही से बता देती है, लेकिन जब आप रीजन पूछते हो कि ये चीज ऐसा कैसे हुआ, मान लीजिए स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, बच्ची सॉल्व भी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन आपने पूछा बेटा इसको आपने ऐसा क्यों किया, तो वो रीजन नहीं दे पाते, ये बोला जा रहा है। मान लीजिए कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें कोई प्रॉपर्टी लगा दी उसने कोई बच्चे ने, ठीक है, जो बच्ची है उसने कोई प्रॉपर्टी लगा दी और उस प्रॉपर्टी को यूज करके उसने सॉल्व तो कर दिया, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं बेटा कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, तो बता नहीं पा रही कि सर कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा फार्मूला लगाया है, तो ये बात की जा रही है। बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा आर एज गुड इन मैथमेटिक्स एज बॉयज ऑफ देयर एज, कि गर्ल्स और बॉयज में ऐसा कुछ नहीं है, गर्ल्स भी जो है बॉयज के कंपैरिजन में उतने ही अच्छे होते हैं जितने बॉयज होते हैं, ये बोला जा रहा है बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है परफॉर्मेंस लेस कॉम्पिटिटिवली इन स्पेटियल कॉन्सेप्ट देन द बॉयज देयर एज, कि बॉयज के कंपैरिजन में उस एज के जो बॉयज होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उनके परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में गर्ल्स की जो परफॉर्मेंस होता है थोड़ा सा कम होती है, थोड़ा डाउनफॉल में होता है। यानी कि मान लीजिए आप क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हैं, आपने कोई कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया पढ़ाना, तो जो बॉयज मान लीजिए 80-90% ग्रैप कर रहे हैं, तो गर्ल्स उसके कंपैरिजन में मैथमेटिक्स की टीचिंग जब आप कर रहे हैं तो 70% या 60% ग्रैप कर रही है, यानी कि बॉयज के कंपैरिजन में कम सीख पा रही है चीजों को, ये बोला जा रहा है आपसे। अच्छा, लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है गर्ल्स स्टूडेंट के बारे में पॉसेस मोर लिंग्विस्टिक एंड म्यूजिकल एबिलिटी, कि जो गर्ल्स जो होती है उसके अंदर लिंग्विस्टिक और जो म्यूजिक की जो एबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है बॉयज के कंपैरिजन में। तो बेस्ट आंसर आपका क्या है, आप अटेम्प्ट करिए। तो बेस्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, हाँ अटेम्प्ट आप लोगों ने कर लिया होगा, तो बी जो आंसर है बिल्कुल सही है, यानी कि बॉयज और गर्ल दोनों ही बराबर हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक हम ये नहीं बोल सकते कि गर्ल्स मैथ में अच्छी है या बॉयज मैथ में बहुत अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही एक जैसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाले ने सबको एक जैसा ही बनाया, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इंटरेस्ट के ऊपर है, इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर हो सकता है कि किसी को मैथ्स पसंद आ सकता है, किसी को साइंस पसंद आ सकता है, किसी को ह्यूमैनिटीज पसंद आ सकता है, किसी को म्यूजिक
और भी कुछ कुछ स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं। ये बच्चों का अपना डिसीजन है, अपना इंडिविजुअल डिफरेंस है, वो हम नहीं कह सकते हैं कि भाई ये बॉयज अच्छे होते हैं या गर्ल्स अच्छे होते हैं, ऐसा हम लोग कुछ डिसीजन पे एक कंक्लूजन पे नहीं जा सकते एज ए टीचर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर इन वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी इज एसोसिएटेड विद। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कोई बच्चा किसी लेटर का जो ऑर्डर होता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब एक ऑर्डर में चल रहा है, ये नंबर बोले 1 2 3 4 5 एक ऑर्डर में चल रहा है, बीच में किसी को भूल जाता हुआ या किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, ये मतलब वो अपने मेमोरी से उस चीज को रिकॉल नहीं कर पा रहा, ये किस किसकी वजह से, ये किस चीज से एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है इससे रिलेटेड, जो बेस्ट आंसर आपके हिसाब से हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कि वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास जो है डिसलेक्सिया है, कि डिसलेक्सिया की वजह से बच्चा विजुअलाइज नहीं कर सकता, अपनी मेमोरी में रिकॉल नहीं कर पाता और उस ऑर्डर में जो जिस ऑर्डर में लेटर या नंबर्स होते हैं उसको पकड़ नहीं पाता। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है बी। बी में आपसे बोल रहा है डिसकुलिया बोला जा रहा है, जिसकी वजह से ये एसोसिएटेड है। नेक्स्ट आपसे सी में बोला जा रहा है डिसग्राफिया है, कि डिसग्राफिया की वजह से जो बच्चा है वो लेटर का प्रॉपर ऑर्डर रिकॉल नहीं कर पा रहा है। और लास्ट में डी ऑप्शन जो है आपके पास है, डी ऑप्शन में बोला है डिसप्रेक्सिया है, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो अपने मेमोरी से उस चीज को विजुअलाइज करके रिकॉल नहीं कर पा रहा है। तो बेस्ट आंसर आपको अटेम्प्ट करना है, क्या आपके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है इसका डिसलेक्सिया की वजह से बच्चा एक ऑर्डर के हिसाब से, सीक्वेंस के ऑर्डर के हिसाब से रिकॉल नहीं कर पाता। कई बार जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, मैं एक एग्जांपल तो के तौर पे बता रहा हूँ, कि जैसे मान लीजिए हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, तो वो नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 आ रहा हूं, छुपो ना छुपो। ठीक है, तो ऐसे करते मान लीजिए आपने बोला कि बेटा 100 तक काउंटिंग करना है, तो बच्चा 10 15 20 50 तक कहीं इसी एक नंबर तक तो कर लिया, बीच में गड़बड़ कर रहा है, यानी कि 1 2 3 4 20 तक कर लिया, 25 26 कुछ कुछ गायब कर दिया उसने, और उसके आगे की काउंटिंग कर ली, बीच में उसने कुछ स्किप कर गया, तो जो स्किप कर रहा है, जिसको रिकॉल नहीं कर पा रहा, ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपका डिसलेक्सिया का एग्जांपल है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल, कि एजुकेशन जो स्कूल में सबके लिए होना चाहिए, इसके बारे में बात की। कुड बी टैग लाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कि किसका टैग लाइन है ये एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल फॉर ऑल, कि शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए और सब स्कूलों के लिए होनी चाहिए, ये जो आपके पास जो टैग लाइन जो जिसके बारे में बोला जा रहा है, ये किसका ये टैग लाइन है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए, तो सही वाला आपका छाटना है, तीन गलत होंगे इसके अंदर। फर्स्ट है कोहेसिव एजुकेशन का ये टैग लाइन है, इंक्लूसिव एजुकेशन का टैग लाइन है, सी में आपसे बोला कोऑपरेटिव एजुकेशन का एग्जाम्पल है ये, और लास्ट में बोला जा रहा है डी, जिसमें जो टैगलाइन की बात की जा रही है, ये टैगलाइन है एक्सक्लूसिव एजुकेशन की है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताता हूँ बेस्ट आंसर या करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव यानी समावेशी, यानी सबको मिला के सबको जोड़ के जो एजुकेशन दी जा रही है। यहाँ बोला है कि ऑफ ऑल, ऑल का ऑल के से ही यहाँ पकड़ में आ जा रहा है कि भाई ये किसका आंसर है, इंक्लूसिव का आंसर है। तो ये वर्ड की वर्ड है, ये ऑल और इंक्लूसिव दोनों बहुत रिलेटेड है, इससे जिसे आप आंसर को आइडेंटिफाई करके बाकी समझ सकते हैं ये सही है बाकी गलत है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके लिए फ्लुएंसी एलोबोरेशन ओरिएंट ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद, कि आपको बताना है कि ये जो मैं चार जो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है ये किसका एग्जांपल है, ये चार चीजों पे ये जो फीचर बताया जाए कि फ्लुएंसी होती है, एलोबोरेशन करता है और ओरिजिनलिटी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एक बच्चे के बारे में आपसे बात किया जा रहा है कि किस कैटेगरी के बच्चे में या कैसे ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कि फ्लुएंट होते हैं, अपनी फ्लुएंसी होती है अपने काम में, अपने बात में, हर एक्टिविटी को करने में, और उसके अंदर ये भी एक मतलब इस फीचर होते हैं कि वो किसी भी चीज को अच्छे से इलोबरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेटर अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक बेटर डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके बारे में बोला जा रहा है। और हाँ, उसका जो कंटेंट होता है उस बच्चे का वो ओरिजिनल कंटेंट होता है, यानी कि ओरिजिनलिटी झलकती है उसके सामने, वो दिखता है उसके काम में आपको, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है उस बच्चे के अंदर कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए, ये सारे फीचर होते हैं। तो आपको बताना ये जो फैक्टर आपको बताए गए, ये जो छोटे छोटे चार फैक्टर मैंने जो आपको भी बताया, ये किसका है, किस बच्चे का एग्जांपल है, किस तरह के एग्जांपल है, ये आपको ये बताना, किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है, आपको ये बताना। तो फर्स्ट बोला गया आपसे ए ऑप्शन में, जो आपसे बोला जा रहा है
गिफ्टेडनेस, यानी कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, ठीक है, वो जो है उसके बारे में बोला गया है। बी में आपसे बोला है टैलेंट का है ये एग्जाम्पल, ये टैलेंट से ये एसोसिएटेड है। नेक्स्ट बोला गया सी, सी बोला गया डाइवर्जेंट थिंकिंग, या बिल्कुल हटके मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के जो बात करते हैं उसके बारे में बोला कि ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का एग्जाम्पल है ये। और नेक्स्ट जो आपसे बोला जा रहा है वो है आपके लिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि उसको स्पीड को इनहेंस करने वाली बात जो होती है किसी के अंदर, जो बच्चे के अंदर जो परफॉर्मेंस जो इनहेंस होता है उसके बारे में बात की जा रही है, ये उससे रिलेटेड है। तो बेस्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, अटेम्प्ट करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर है गिफ्टेडनेस, यानी कि जो ये जो फीचर है किसी बच्चे के अंदर जो गिफ्टेड है, मैंने कहते ना किसी बच्चे बच्चे को अंदर बड़ा शार्प माइंडेड है, गिफ्टेड है, ये फीचर इसके अंदर पहले से ही है, ये इसके अंदर ये आदत झलकती है। कैसी कैसी आदत, फ्लुएंट है, मतलब बिल्कुल किसी चीज को बिल्कुल फ्लुएंसी है उस बच्चे के अंदर कि उस चीज को फटाफट कर सकता है, बिल्कुल सही उसी रिदम में काम को कर सकता है। इलेबरेट यानी कि उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, जैसे आप लोग स्टेज वगैरह पे देखते होंगे कुछ बच्चे किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से स्पीच दे सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हाँ, उनके काम में क्या है, ओरिजिनैलिटी झलकती है, यानी कि वो ऐसा काम वो इकलौता वही करने वाला है, वो किसी की कॉपी नहीं कर रहा है बल्कि खुद का अपना अपने अंदर वो चीज डेवलप कर रहा है। और हाँ, उनके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि वो अपने अंदर ये इतना फ्लेक्सिबल होते हैं कि चीजों को चेंज ला सकते हैं, अगर कोई उसे इनपुट दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट करके उसके अंदर चीज ला के अपने आप को इम्प्रूव भी करते हैं। तो किसका ये एग्जाम्पल है आपको आइडेंटिफाई करना था, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ए। तो सही आंसर आपका ए, यानी कि गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं, यानी कि कहने का ना गिफ्टेडनेस का एग्जाम्पल है ये, या इससे ये रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गिफ्टेड स्टूडेंट मे बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चंस डीलिंग विद, कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनको आप बोल सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन पे जिससे वो डील कर रहे हैं, जिससे वो जुड़े हुए होने चाहिए, जिनको आप ये क्वेश्चन दे सकते हैं। कहने का मतलब ये, बीइंग ए टीचर, जो आपकी क्लासेस मान लीजिए कोई गिफ्टेड बच्चा है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं वो आपको बताना है, या फिर आप ये बोलिए कि आप उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आप उनको दे सकते हैं ताकि वो उनको सॉल्व करें और अपने आप को इंगेज करके अपने अंदर इंप्रूवमेंट वो ला सके। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है आपके पास ऑप्शन ए, जिसमें बोल रहा है रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग का मतलब है उसे याद करना, किसी भी चीज को ऐसे काम दे दीजिए जैसे जिसमें बच्चे को कुछ याद करना पड़े, कहने का मतलब है रट्टा लगाना पड़े, रोट लर्निंग जो हो, ऐसे गिफ्टेड बच्चों का रोट लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछते हैं और आप उनको रोट लर्निंग से रिलेटेड चीजें दे दीजिए, ये बोला जा रहा है ऑप्शन ए में। बी में आपसे बोला जा रहा है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ऐसे बच्चे ज्यादातर जो है अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें पूछते हैं, या फिर एज ए टीचर आप उसको अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है या उससे जो टॉपिक है वो आप उनको क्वेश्चन दे सकते हैं करने के लिए। अच्छा, सी ऑप्शन देखते हैं। तो सी ऑप्शन में बोला है क्रिएटिंग, क्रिएटिवनेस वाली जो बात हुई, यानी क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग वाली, यानी किसी चीज को क्रिएट करना, किसी चीज को बनाना, यानी कि कनेक्ट सर्जन करना, कि क्रिएटिवनेस जिसके अंदर झलक है, ऐसे क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा डील करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं टीचर से, या एज ए टीचर आपको ऐसी चीज दे देनी चाहिए, ऐसे असाइनमेंट इन बच्चों को देना चाहिए जिसमें उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आए, ये बोला जा रहा है। और लास्ट में जो डी ऑप्शन है आपके पास, डी में बोला जाए एनालाइजिंग, एनालाइजिंग का मतलब जिसके अंदर उसको विश्लेषण करना पड़े, एनालाइज करना पड़े, मतलब उनको डाटा दे दीजिए, उनको बोलिए कि भाई इसको एनालाइज करो, ये ऐसा क्यों ऊपर जा रहा है, नीचे डाउनफॉल हो रहा है, या अपब्रिंगिंग उसकी ऐसी क्यों हो रही है, वैसा क्यों हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन बच्चे ज्यादा पूछते हैं गिफ्टेड बच्चे, या आप ये बोल सकते हैं बीइंग ए टीचर आप ऐसा काम उनको दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया सी, यानी कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए उन बच्चों के अंदर, क्रिएटिविटी वाले जो क्वेश्चन है किसी चीज को क्रिएट करने का, सर्जन करने का, बिल्कुल उसको नए रूप में ढालने वाली क्षमता इस बच्चे में ज्यादा होती है, इसलिए वो अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं क्वेश्चन को पूछने के लिए, उससे जो डील करने के लिए, ऐसे प्रॉब्लम को डील करें जिसमें कुछ क्रिएट करना पड़े। तो क्रिएटिंग इसका सही आंसर है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताना मुझे कमेंट करके, और हाँ नीचे आप ये भी बताइए कि आप कितना स्कोर सही कर पा रहे, कितने क्वेश्चन को आपने करेक्ट अटेम्प्ट किया हुआ है। इस वीडियो को मैं रोज शाम को लेके आता हूँ 7 बजे, आप डेली मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और इसके अलावा सुबह 7 बजे मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर की वीडियो, तो आप उसे भी देख सकते हैं ताकि आपके जो करंट अफेयर और जनरल स्टडीज का जो पोर्शन है वो भी प्रिपेयर अच्छे से हो सके। तो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड सेट प्रिपरेशन, जो कि एक एजुकेशनल चैनल है मेरी तरफ से, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।